नमस्ते, मैं डॉक्टर रेखा रत्नानी हूँ। मैंने अपना IVF में स्पेशलाइजेशन बॉस्टन US से किया हुआ है और मैं हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का IVF और एंडोस्कोपिक सेंटर हैंडल करती हूँ। जब भी एक साल तक हस्बैंड एंड वाइफ ट्राई करते हैं और उन्हें बच्चा नहीं होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। लेकिन अगर उन दोनों की उम्र 35 साल के ऊपर है तो 6 महीने से ज़्यादा उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। जब भी आप हमारे पास आते हैं कोशिश करिए कि आप माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन पर आएँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और साथ में अपनी सास या घर वालों को ना लेकर आएँ बल्कि अपने हस्बैंड को लेकर आएँ। उसी सेटिंग में हम हस्बैंड और वाइफ दोनों के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ़ायदा ये हो जाता है कि हस्बैंड अपना सैंपल देंगे, उनकी एनालिसिस हो जाएगी एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा और तुरंत हमें पता चल जाता है कि उनका उनमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। अगर सब ठीक है तो 50% काम हमारा हो जाता है। सेकेंड डे आने पर हम फीमेल के कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट और कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। साथ ही हम वजाइनल सोनोग्राफी करके ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि उसके पास अंडों का कितना स्टॉक है और उसे कितने दिन रुकने की ज़रूरत है। हमें ये भी पता करना होता है कि क्या हम कोई ऐसी बीमारी तो अपने साथ लेकर नहीं चल रहे जो हम बच्चों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, खास करके जैसे सिकल सेल ट्रेट है या थैलेसीमिया ट्रेट है। ये हमें उतनी तकलीफ नहीं देते लेकिन अगर मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों ही उस जीन को कैरी करते हैं तो हमारे होने वाले बच्चे में ये काफ़ी तकलीफ पैदा करते हैं। उसी सिटिंग में हमारा ये भी एनालिसिस हो जाता है। एक डिटेल स्टडी होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या ये नेचुरल कोर्स में प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। अगर नेचुरल कोर्स में हो सकती है तो हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं और सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं ताकि हमें पता चले कि आपके अंडे अच्छे बन रहे हैं या नहीं। अंडों के बनने के अलावा बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है उससे भी मोटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ एक सुर में सही चल रही हैं तो हम मान के चलते हैं कि बाकी सब भी ठीक ही होगा। अगर उसी सिटिंग में हमें 8वें दिन पे कुछ करना है तो हम ट्यूब टेस्ट भी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ट्यूब्स, अंडे और बाकी के कोई भी डिफेक्ट्स हैं हमें पता चल जाते हैं। और हस्बैंड का सैंपल अगर एनालिसिस हो गया है तो पूरी तरीके से एक कपल का इवैल्यूएशन हो जाता है। कई बार हमारे पास ऐसे कपल आते हैं जिनके दोनों ट्यूब्स बंद हैं, जन्म से ही बंद हैं, या उन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण दोनों ट्यूब्स बंद हैं, या उन्हें कोई ऐसी एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वो अपने अंडे नहीं बना पाते हैं और उनके ट्यूब्स में भी पानी भरा हुआ है। तब हमारे पास उनके लिए IVF सुविधा होती है। IVF का मतलब होता है कि जो भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया लड़की के पेट के अंदर हो रही है, गर्भाशय के अंदर हो रही है, उसको हम लेबोरेटरी में करते हैं। फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस हमारे लेबोरेटरी में होता है। एक तरह से हमें ये पता चल जाता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंदर क्या गड़बड़ है और उसी सिटिंग में वो ठीक भी हो जाता है। मान लीजिए किसी के ट्यूब बंद है तो नेचुरल कोर्स में वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती लेकिन IVF द्वारा उसे पहली बार में ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चेदानी में ट्यूमर्स होते हैं, ऐसी जगह ट्यूमर्स होते हैं जहाँ बच्चा बैठ ही नहीं पाता, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिकली या लैप्रोस्कोपिकली उन ट्यूमर्स को हटा देते हैं, वहाँ जगह बनाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि अगर हमें सर्जरी करवा लिया उसके बाद हम आराम से बैठ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई ऐसी सर्जरी कराते हैं जो कि बच्चा न होने की वजह है, आपको उसके तुरंत बाद अपने बच्चे के लिए प्रयास करने हैं। फिर चाहे तो आपका डॉक्टर, हमारे जैसे IVF एक्सपर्ट्स आपको जो भी बोलते हैं उस सुविधा को आपको तुरंत तुरंत लेना है, नहीं तो ऑपरेशन से होने वाले सारे फायदे नलिफाई हो जाते हैं। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसमें कि माहवारी का खून ट्यूब के माध्यम से ट्यूब्स के द्वारा ओवरीज, अंडाशय और पेट में गिरता है। इससे पेट के अंदर फफोले हो जाते हैं और अंडाशय दोनों अंडों में भी खून बनने लगता है और ये आगे चल के बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स पैदा करते हैं और पूरी जगहों को जला देते हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें कि पता ही नहीं चलता कि उनके पास ये प्रॉब्लम है। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है। ये सोनोग्राफी में भी बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं। इन सारे पेशेंट्स के लिए IVF सुविधा एक वरदान की तरह होती है जिसमें हम उन्हें बच्चा एक IVF प्रक्रिया से दे सकते हैं। हाईटेक सुपर स्पेशलिटी IVF सेंटर में हमारे पास न केवल IVF की सुविधा है बल्कि ICSI की भी सुविधा है। ICSI एक एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो अंडा होता है औरत का, उसके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म है उसे हम मशीन द्वारा, ICSI मशीन द्वारा अंदर डाल देते हैं।
तो फर्टिलाइजेशन कंफर्म हो जाता है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन को नेचुरल होने पे छोड़ते हैं, मतलब फीमेल का एग हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उस डिश में हम जो सीमेन होता है स्पर्म्स उसको वॉश करके 50,000 से 60,000 के आसपास हम उधर डाल देते हैं और अंदर फर्टिलाइजेशन होने के लिए हम छोड़ देते हैं और इनक्यूबेटर में रख देते हैं। लेकिन एक्सी में ये फर्टिलाइजेशन को इनिशिएट या शुरू हम करते हैं एक्सी मशीन द्वारा और इसको फिर हम इनक्यूबेटर में रख देते हैं और 24 घंटे बाद उसमें सेल बने कि नहीं, 48 घंटे में वो चार हुए कि नहीं, ये हम देखते हैं। सिमिलरली एमसी की सुविधा, एमसी में हम क्या करते हैं कि स्पर्म को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, तो मैग्नीफाई होकर जब ये दिखते हैं तो बेटर स्पर्म को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सुविधा भी हमारे यहाँ है। कई बार क्या होता है कि अंडे तो हमने बनवा लिए लेकिन बच्चेदानी की परत उतनी अच्छी नहीं बनी, उस हालत में जो भ्रूण हम बनाते हैं उसे हम फ्रीजिंग में डाल देते हैं और फिर जब परत अच्छी बनती है तब हम उस भ्रूण को फ्रीजिंग से निकाल के और वापस गर्भाशय में स्थापित करते हैं। इसको फ्रोजन ईटी बोलते हैं। फ्रेश ईटी का मतलब होता है कि जिस समय हमने अंडे निकाले उसी साइकिल पे हमने भ्रूण बनाया, उसी साइकिल में हमने भ्रूण को स्थापित किया, वो फ्रेश ईटी होता है। फ्रोजन ईटी में हम एक साइकिल या दो साइकिल या तीन साइकिल भी रुकते हैं जब तक कि परत बेहतर नहीं हो जाती है। ये सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल में ही मौजूद है। इसी तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे को अभी बच्चा नहीं करना है लेकिन हमारे को ये भी डर है कि हमारे ऊसाइट्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो उन लोगों के लिए हमारे पास सुविधा है जिसको कि हम लोग ऊसाइट प्रिजर्वेशन बोलते हैं। मतलब अगर कैरियर में हमें फोकस करना है या अभी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, उस हालत में महिला अपने एक्स को फ्रीज करा सकती हैं और ये फ्रीजिंग काफ़ी सालों तक हो सकती है, रह सकती है और आज के एडवांस एज में ये एक बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि हम अपनी उम्र के समय 35 या 36 के एज में डिसाइड करें कि अब मुझे बच्चा करना है, उस समय हमारे पास एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, काउंट भी अच्छा नहीं होता। तो इन लोगों को हम कहते हैं कि जब आपके पास अच्छा स्टॉक है 25, 26, 27 साल की उम्र में आप अपने एग्स को फ्रीज करवा लीजिए। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि जो मेल होते हैं उनके सीमेन में कोई स्पर्म्स आते ही नहीं है लेकिन जब हम उनके अंडाशय से बायोप्सी लेते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर हमें स्पर्म्स मिलते हैं, लेकिन ये स्पर्म क्योंकि अंडाशय से निकले हुए हैं ये चल नहीं सकते, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे स्पर्म्स को हम लोग लेके एक्सी मशीन द्वारा औरत के जो हमने अंडे निकाले उसमें स्थापित करते हैं। इस टेक्निक को टीसा या टीसी कहते हैं। ये सुविधा भी इस हॉस्पिटल में मौजूद है जिससे कि वो सारे मेल पार्टनर्स जो आम तौर पर नहीं कर सकते अपना बच्चा, उनको हम ये खुद का संतान होने का सुख प्रदान करते हैं। कई बार बोला जाता है कि अगर स्पर्म्स नहीं है तो आप डोनर के ले लीजिए, लेकिन क्यों लेना जब टीसा और टीसी की सुविधा है, तो क्यों ना उसे स्वयं का बच्चा होने का सुख प्राप्त करने का मौका दिया जाए। तो ये सारी सुविधाएं भी हमारे पास है। सिमिलरली कई बार ऐसे होते हैं मेल्स जो आर्मी में काम करते हैं या जो बाहर काम करते हैं, उन लोग हर बार यहाँ नहीं आ सकते, साल में एक या दो बार ही छुट्टी लेके आते हैं। उनको हम बोलते हैं कि आप जाने से पहले अपने स्पर्म को फ्रीज करा के जाइए, तो स्पर्म फ्रीजिंग की भी सुविधा यहाँ पर है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही छत के नीचे हम सारी सुविधाएं देते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व होता है जब मैं बोलती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को बच्चे हुए हैं जो सोच भी नहीं सकते थे। आज भी मैं याद करती हूँ अपनी पेशेंट, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मैं उसे मेरी पेशेंट एम बुलाऊँगी, जिसे न सिर्फ उसकी उम्र 50 के ऊपर थी बल्कि वो अपना एक जवान बेटा अपने आँखों के सामने खो चुकी थी, उसे हार्ट डिजीज़ थी, उसको हमने बच्चा पहले अटेम्प्ट में दिया जबकि उसकी हार्ट की हालत इतनी ख़राब थी, पर उसको हमने हर तरीके से बिल्कुल ही एक अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी थी। सिमिलरली मेरे अभी जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स अभी जो चल रहे हैं उनमें वो सारे पेशेंट्स भी हैं जिनके एजोस्पर्मिक हैं हस्बैंड्स, मतलब कि जो खुद सीमेन में जीरो स्पर्म्स दिखाते हैं। मेरी एक ऐसी पेशेंट है जिनको एंडोमेट्रियम का बच्चेदानी का कैंसर था जो टाटा में मैंने भेजा और मैंने उनसे कहा कि आप दवाइयाँ द्वारा इन्हें ठीक करिए क्योंकि मुझे इसे बच्चा देना है। मैंने आईवीएफ की टेक्निक से उसके ठीक होने का दवाइयों से इंतज़ार किया, उसे आईवीएफ की टेक्निक से बच्चा दिया और अब वो फिर से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा रही है टाटा से। वो अपने आप में एक अजूबा है। कितनी बार ऐसा होता है कि औरत के जन्मजात से ही बच्चेदानी बहुत छोटी होती है। मेरी कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें मासिक होता ही नहीं था, कभी हुआ ही नहीं, उनको न सिर्फ हमने दवाइयों से उनकी बच्चेदानी को वापस नॉर्मल साइज़ में बनाया बल्कि उन्हें डोनर उस साइड से हमने एक प्रेगनेंसी का भी मौका दिया।
काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े ट्यूमर्स फाइब्रॉइड्स थे बच्चेदानी के अंदर, जिससे हमने ट्यूमर्स निकाले, न सिर्फ निकाले बच्चेदानी को बनाया और उसके बाद उसको प्रेगनेंसी करके दी। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हम IVF करा रहे हैं मतलब हम किसी और का स्पर्म ले रहे हैं, हम किसी और का एग ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्वयं के लिए, खुद के बच्चे होने के लिए की गई एक टेक्निक है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी लैब लगती है। इसमें IUI से लोग कंफ्यूज करते हैं। IUI का मतलब होता है स्पर्म को वॉश करना, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म लेना और उसे बच्चेदानी में फंडस पे बैठाना। ये एक सस्ता प्रक्रिया होता है जिसका खर्चा 7 से 8 हज़ार होता है। IVF का खर्चा 1 से 1.5 लाख तक होता है। IVF एक सक्सेस रेट की तरफ ज़्यादा ले जाती है। एक बार में, पहली बार में 60 से 70% सक्सेस होती है, लेकिन हमारे सेंटर में करीब करीब 89% सक्सेस हम देते हैं। सिमिलरली IUI में सक्सेस सिर्फ 14% होती है। कई बार स्पर्म बहुत कम होते हैं और पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने बोला है IUI करा दीजिए। जी नहीं, जब स्पर्म्स कम है तो उस समय हमें IUI नहीं करना है, हमें ICSI करना है। ICSI द्वारा हमें बच्चे देने की कोशिश करनी है। कई बार हम इतनी जगह घूमते रहते हैं कि महिला जो है अपनी बेस्ट एज जो है 30 के अंदर वाली को वेस्ट कर देती है और वो हमारे पास 30, 35, 38 में आती है, जब सारा कुछ ट्राई करके 10, 12, 15 सालों से फिर आती है। हम उन्हें कहते हैं कि यही प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं अगर आप हमारे पास एक यंग एज में आई होती। तो आप याद रखिएगा कि शादी के बाद 1 साल तक अगर नॉर्मली रहने के बाद फर्टिलिटी जोन में ट्राई करने के बाद अगर बच्चा नहीं होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आइए, अपने सारे टेस्ट कराइए। डॉक्टर भी IVF एक्सपर्ट ही ढूंढिएगा। IUI भी मैंने देखा है बहुत लोग अपने क्लिनिक्स में, अपने लेबॉरेटरीज में करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। IUI भी एक IVF लैब के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसी तरह से IVF जो सेंटर्स होते हैं उनके पास अगर हम शुरू से चले जाते हैं तो वो आपको एक अच्छी तरह से गाइड करते हैं। हमारा जो हाईटेक सेंटर है, हाईटेक का जो IVF सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और हमारा जो USP है वो हमारे पेशेंट्स है। हमारी सक्सेस जो है वही हमारे बारे में हमारी बातें करती है और एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को लाता है, क्योंकि काम बोलना चाहिए। आपका काम अगर अच्छा है तो लोग आपके पास ज़रूर आएंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम एक ऐसी लैब को भिलाई में लाए हैं जो कि पेशेंट्स को हेल्प करेगी माँ का सुख प्राप्त करने में। नमस्ते।